चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई इंटरफियर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन. द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज पाई बाई टू एट पॉइंट ए, पाई एट पॉइंट बी, देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी. तो देखो जैसे ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ एस वन है, एस टू है, एस वन एस टू, और पॉइंट ए यहाँ कहीं है, एज्यूम करें यहाँ पर है. दो वेव्स, एक ये चली एक ये चली, S1 से एक चली S2 से चली. इसकी इंटेंसिटी I1 की वैल्यू है I, I2 की वैल्यू है 4I. A पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है इसको मान लेते हैं हम, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी पाई बाई टू दिया हुआ है, ठीक है. दूसरे केस में सेम सिचुएशन है, S1 से और S2 से दो वेव चली, ठीक है, ये सेंटर है. बी पॉइंट थोड़ा अलग पोजीशन है, बी यहाँ पर है, ठीक है. यहाँ पर सेम इंटेंसिटी आई वन इज इक्वल टू आई है, आई टू इज इक्वल टू फोर आई है. जब यहाँ पहुँची बी पॉइंट पे तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो पाई के इक्वल है, ठीक है. तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी पॉइंट पे कितनी होगी, यानी ए और बी पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट. तो जनरली हम लोग आई नेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई, ये लिखते हैं. फेज डिफरेंस फाई है, इक्वेशन होता है. तो अगर हम A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना चाहें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी A पॉइंट पे निकालते हैं और B पॉइंट पे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे. I1 पहले पॉइंट पे I1 की वैल्यू I है, सो I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट में I इंटू फोर आई इंटू कॉस कितना है यहाँ पर पाई बाई टू. कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू है जीरो, 90 डिग्री. सो आई ए इज इक्वल टू होगा, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉस पाई बाई टू है, ये आएगा फाइव आई आ जाएगा. अब बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, आई प्लस फोर आई प्लस टू अंडर रूट में आई इंटू रूट फोर आई इंटू कॉस पाई. कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, ठीक है, तो माइनस वन ही आएगा, यानी आई बी इज इक्वल टू फाइव आई माइनस टू इंटू टू आई, ये आएगा, यानी फाइव आई माइनस फोर आई. इट मीन्स आई बी, बी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो आई के इक्वल होगी. तो अगर ए पॉइंट पे इंटेंसिटी आ रही है फाइव आई, बी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आ रही है आई आ रही है, तो दोनों की इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना होगा, आई ए माइनस आई बी इज इक्वल टू फाइव आई माइनस आई, इट मीन्स फोर आई के इक्वल होगा. यही पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.